Hey guys and welcome to the Cut to Cut Updates, जहां बात करने वाले हैं हॉलीवुड की कुछ मूवी सीरीज के अपडेट्स के बारे में बिना आपका कोई टाइम वेस्ट किए, तो इसलिए वीडियो को एंड तक एक बार जरूर देखिएगा। Well guys, आज हम बात करने वाले हैं द विचर ब्लड ओरिजिन के प्रोडक्शन अपडेट्स को लेकर, दूसरा स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के बारे में गेट एंड मेटार्जो ने क्या कुछ कहा है, एंड तीसरा जस्टिस लीग के हिंदी डब के ग्लिच के बारे में, एंड चौथा सबसे ज्यादा खतरनाक वो ये है कि यार मनी हाइस्ट की स्टार टोक्यो ने अपना एक पोस्टर रिलीज किया जो कि यार वाकई धांसू लग रहा है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं, एंड काफी कुछ है इस वीडियो के अंदर, तो इसलिए चाहता हूं वीडियो को एंड तक एक बार जरूर देखना। तो क्या सबसे पहले बात कर लेते हैं द विचर ब्लड ओरिजिन के बारे में, जिसके बारे में पहले ये अपडेट निकल के आई थी कि इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है मई से, एंड उसके बाद खत्म भी हो जाएगी सितंबर तक, एंड ये 6 एपिसोड की एक मिनी सीरीज होने वाली है। एंड रिसेंटली सीरीज के बारे में ये अपडेट निकल के आई कि इसकी शूटिंग थोड़ा और डिले हो सकती है, एंड देखो इसका मेन रीजन ये है कि जोडी टर्नर जो इसमें मेन रोल प्ले करने वाले थे उन्होंने सीरीज को छोड़ दिया, यानी कि अपना रोल छोड़ दिया, जिससे कि शूटिंग में और ज्यादा डिले होगा, एंड उनका रोल इस सीरीज के अंदर काफी ज्यादा मैटर करने वाला था, जिसको उनने अब छोड़ दिया है। दूसरी अपडेट है जेसन मोमोआ के फैंस के लिए, जहां पर उनकी अपकमिंग फैंटेसी एडवेंचर मूवी जिसका नाम है स्लंबरलैंड, उनका एक लुक रिलीज किया गया उसमें से नेटफ्लिक्स की तरफ से, जहां पर वो रोल प्ले करने वाले हाफ मैन और हाफ मॉन्स्टर का, तभी उनके सर पे हॉर्न्स लगाए गए, वो भी कर्व्ड हॉर्न्स। एंड अगर बात करें कि ये मूवी आपको कब तक देखने को मिल सकती है, तो खैर इसके बारे में नेटफ्लिक्स ने साफ साफ लिखा है कि 2022 में ये मूवी आएगी नेटफ्लिक्स के ऊपर। एंड अगर बात करें जस्टिस लीग स्नाइडर कट के हिंदी डब के ग्लिच के बारे में, जिसके बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं कर पा रहा, तो सबकी थ्योरी तो यही है कि टेक्निकल ग्लिच है और कुछ भी नहीं। देखो मुझे भी यही लगता है, क्योंकि यार देखो यही सेम केस हो चुका है द बॉयज के साथ, जब वो हिंदी में आने वाली थी, एंड जिस दिन ग्लिच हुआ था उसके एक हफ्ते बाद द बॉयज हिंदी में आ गई थी। पर इससे कम से कम ये तो क्लियर हो ही गया कि ये मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में देखने को मिलने वाली है, एंड क्या पता आ भी गई हो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड वहीं अगर बात करें डस्टिन के स्टेटमेंट के बारे में जो कि उन्होंने दिया है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 को लेकर, तो खैर उन्होंने ये कहा है कि स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 अब तक के नेटफ्लिक्स का सबसे ज्यादा स्कैरियस्ट यानी कि डरावना सीजन होने वाला है। एंड साथ में उन्होंने ये भी हिंट दिया कि स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 भले ही लेट आएगा, पर फिर भी जब भी आएगा ये नेटफ्लिक्स पर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेट से मतलब है कि ये सीजन या तो 2021 के एंड में आएगा या फिर 2022 के स्टार्टिंग में, जिसका हाईली चांसेस लग रहे हैं फिलहाल, तो यानी कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के लिए वेट करना वर्थ इट होगा। एंड साथ में एक छोटी सी अपडेट ये भी निकल के आया कि 1917 मूवी ऑफिशियली हिंदी में आने वाली है, एंड इसकी हिंदी डबिंग पूरी हो चुकी है, फिलहाल इसकी रिलीज डेट को रिवील नहीं किया गया है। और वहीं मनी हाइस्ट के सुपरस्टार टोक्यो ने अपने ही इंस्टाग्राम के ऊपर अपना एक लुक पोस्ट किया, जिसको देखकर तो मतलब यार मजा आ गया। पर कुछ भी कह लो यार, ये लुक देख तो लगता है कि मनी हाइस्ट का फिनाले उसका ग्रैंड फिनाले होने वाला है। तो अगर उस लोग के बारे में आपकी क्या राय है तो प्लीज कमेंट करना। सो गाइस कट टू कट अपडेट्स में आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।